गाइस, अगर आपके भी थाई पे बहुत ज्यादा फैट आ चुका है, हिप्स पे बहुत ज्यादा फैट आ चुका है, तो डेफिनेटली आपको भी इस बॉटल का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना है, कितना इजी है और कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, आप घर बैठे बैठे थोड़े से स्पेस में सिर्फ वाटर बॉटल से अपने थाई फैट को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं और विद इन अ वीक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने लोअर बॉडी के फैट को कम करने के लिए, अब बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको दोनों वाटर बॉटल ले लेनी है पानी की भरी हुई। उसके बाद में आपने क्या करना है, वन लेग को वाइड करना है और हमने बताने से कुछ भी समझ नहीं आएगा, देखते जाइए कैसे करना और एज इट इज मुझे फॉलो करते जाइए। ठीक है, समझ आया, ऐसे ही करना है। 20 टाइम्स करना है हमें सेम चीज, हमें अपने लेग्स को ओपन करना है, बॉटल को डाउन करना है, देन उसके बाद में अपनी लेग्स को ज्वाइन करना है, अगेन हमें स्क्वाट पोजिशन में आना है। ऐसा हमने करना है 20 बार और इसके करने हैं हमने 2 सेट। जब आप 20 टाइम्स कर लेंगे तो आपने लेना है 30 सेकंड्स का रेस्ट और उसके बाद दोबारा से इसके बाकी जो रेस्ट हमारे सेट रह गए हैं उनको आपने परफॉर्म करना है। चलिए, ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। हमने वाटर बॉटल को इस तरीके से ऊपर से होल्ड करना है, ठीक है, यहाँ से नेक होल्ड करा, स्ट्रेट खड़े रहना है, नीज बेंड नहीं होंगे, अपने लेग्स को अपने ब्रॉड कर लेना है, मतलब शोल्डर से ज़्यादा आपने गैप मेंटेन करना है। उसके बाद में हमने डाउन जाना है, बॉटल को पीछे लेकर जाना है, देन फ्रंट, देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेम इसको भी हम करेंगे 20 दफा और इसके करेंगे हम 2 सेट। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है, इसके लिए हमें अगेन वाटर बॉटल का यूज करना है और अब हमें कैसे करना है परफॉर्म देख लीजिए। 1 फीट आपकी, यानी 1 लेग आपका आगे रहेगा, अदर लेग आपका बैक साइड पे रहेगा, जो फ्रंट लेग है ना उसका आपका पूरा पाउंड जो है मैट से टच रहेगा, राइट, लेकिन जो बैक वाला लेग है उसके हमें अपनी हील को अप करके रखना है और टो पे आ जाना है। वाटर बॉटल को इस तरीके से हम होल्ड करेंगे साइड पे, देन डाउन जाएंगे। 20 टाइम्स हम परफॉर्म करेंगे ईच लेग। अगर 20 टाइम्स इन केस नहीं हो रहा तो आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं राइट साइड, 10 टाइम्स आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। Other side. Okay, relax. ठीक है, इसको हम करेंगे 20 दफा और इसके हम करेंगे 2 सेट। यानी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करी, देन उसके बाद हमने 20 सेकेंड्स का रेस्ट लिया, देन अगेन हम इसके बाकी के सेट परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी काफ मसल की। काफ मसल क्या होता है, पिंडलियाँ, ये वाला साइड, ठीक है।
अब इसका हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि आपने नोटिस करा है कि जब हमारे यहाँ पे मसल सूजने लगती है, यानी वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम आती है. क्यों आती है? क्योंकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और नसों में क्या होता है, खून जमना शुरू हो जाता है और फिर एक टाइम पे जाके वो ब्लास्ट हो जाती हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि हम एक ही मूवमेंट में बैठे रहते हैं. तो कोशिश करें कि अगर आपका सिटिंग जॉब है तो एक घंटे बाद हल्का फुल्का 2 मिनट के लिए वॉक कराएं, 1 सेकंड के लिए वॉक कराएं, मतलब उठ के चल दें कहीं पे भी, देन वापस से आ जाएं, ठीक है. और उसके साथ में इस वाली एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें. वेट के साथ हम करेंगे, हमने 2 वाटर बॉटल लेनी है पानी की भरी हुई. उसके बाद में अपने पंजों पर आ जाना है, होल्ड करना है फॉर 10 सेकंड्स. स्टार्टिंग में अगर आपका बैलेंस नहीं बन पाता तो उसकी 2 ट्रिक्स हैं. आप जब भी बैलेंस वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा एक जगह पे फोकस करना है. जब आप हम फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस मेंटेन हो जाता है, राइट. तो आपने क्या करना है, फोकस करना है और 5 सेकंड्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट होल्ड करना है. काउंट करते जाइए, फिर 10 सेकंड्स पे जाइए, फिर 20 सेकंड्स पे जाइए, ठीक है. देन रिलैक्स अगेन. हम इसे करेंगे, हम इसके सेट्स नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 20 बार रिपीट करेंगे. यहाँ पर अब आपने क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप काफ मसल की एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ना क्रैम्प्स आएंगे यहाँ पे, आपके नस में नस चढ़ेगी. घबराना मत, नॉर्मली आप रोटेशन करेंगे उतर जाएगी. वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली हम पानी बहुत कम पीते हैं. जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं या नस में नस चढ़ता है. तो वो बहुत नॉर्मल है, बस आपने अपने पानी का जो है रेशो पूरे दिन में इंक्रीज कर देना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको 1 सिंगल वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है. और इस तरीके से हम लेट जाएंगे पीठ के बल. हमने वाटर बॉटल को यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है. और उसके बाद में इस तरीके से हमने ऊपर से प्रेस करके रखना है. प्रेस करने के बाद में हमें अपने हिप्स को लिफ्ट करना है और अंदर की तरफ स्क्वीज करना है और पोजिशन को होल्ड करना है फॉर 10 to 20 सेकेंड्स. अगेन डाउन जाएंगे, इसको हम 20 बार रिपीट करेंगे. 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें स्टार्टिंग में, फिर 10, फिर 20, और इसके हम करेंगे 2 सेट्स. यहाँ पर हमने लिया है 1 लीटर की वाटर बॉटल, ठीक है. लेकिन जब आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी तो आप 2 लीटर की वाटर बॉटल भी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट से हम ग्लूट की एक्सरसाइज करते हैं, यानी अपने हिप्स की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है. यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं. गाइज, आई होप कि आपको आज का मेरा वर्कआउट करने के बाद बहुत मज़ा आया होगा, है ना. तो ऐसे कुछ नई नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो डेफिनेटली आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए. चलिए मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ. गुड लक.